सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम अब ले आए हैं आपके लिए साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। तो आप जल्दी से यहाँ देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक शेयर एंड चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था इनमें से कौन सा अति परिवर्तन नहीं है, तो इसका आंसर है एलपीजी का दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो बर्फ का पिघलना, सोने या प्लेटिनियम को बनाने वाला है एक्वारेजिया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अभिकारक। पाचन के समय अमाशी पाचक रसों का पीएच मान होता है, तो होता है 7 से कम। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का समान नाम क्या है, खाने का सोडा। सिरके में खालिस्तान अम्ल होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। धातुएं पर्या उसके बाद है, धातुएं पर्या ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, क्योंकि जो श्रेणी है ना सक्रियता श्रेणी, उसमें सबसे ज्यादा पोटेशियम का नाम ही होता है, सोडियम का सेकेंड में। ओके, तो पोटेशियम हो जाएगा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन। स्टेनलेस स्टील लोहे के साथ कार्बन का बना होता है। ओके, तो देन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली मरकरी है, पाई जाने वाली धातु मरकरी है, ठीक है ना, जो आपके खाली थर्ड नंबर की सही जोड़ी है उसका। धातुओं को खींचने का गुण तन्यता, धातुओं को पीठ चादर का आघात वर्धनता, और जो भी आप देख लीजिए मौसलिक और सारणी का नियम परमाणु आधार पर। अब एक वक्त में एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो वायुमंडल में कार्बन का रूप कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में CO2। खाना बनाते समय बाहरी सतह काली कब होती है, जब ईंधन पूरी तरह नहीं जलता है। और समूह 17 के तत्वों के नाम किसी अन्य और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो है हैलोजन। देन इसके बाद है आपका अष्टक नियम दिया था, तो न्यूजीलैंड ने अष्टक नियम दिया। और आधुनिक और सारणी में सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। परमाणु द्वार था, तो परमाणु क्रमांक वाला तत्व है, तो वो है क्लोरीन। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।